एक नंबर फायरिंग है। ये गाड़ी कब की मैं जान सकता हूँ? ये 2020 का गाड़ी है, पहले दूसरे महीने का गाड़ी। एक ही बुलेट है हमारे पास, बुलेट तो बहुत सारी है सर। आज का बुलेट का स्पेशल ब्लॉग रहने वाला है और वो ब्लॉग के अंदर हम लोग अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी देखने वाले। जल्दी से जल्दी हम जाते हैं और सिनेमैटिक एंजॉय करने के बाद डिटेल। तो इसके पहले आप कितने जगह पर गए थे औरंगाबाद में? पूरी जगह घूमे? आप पूरी जगह घूमे। तो यहाँ पर का स्टॉक कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो यहाँ पर आपने गाड़ी परचेस की R15 V3 राइट? जी जी। इसके पहले कहाँ पर देखी थी आपने? इसके पहले मैंने हर जगह ओलेक्स पे देखा, फेसबुक पे देखा, फिर उधर रोशन गेट साइड देखा। भैया आज का व्लॉग तो स्टार्ट हो गया है, मगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सारे लोग लोन के लिए डिमांड करने वाले हैं और लोन का फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो अपने को ऐसा प्राइस देना है कि जिस प्राइस के अंदर लोग कैश में भी गाड़ी खरीद पाएंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल वैसी प्राइस देंगे भैया। ठीक है, ठीक है। वेलकम टू ऑटो MH20। तो यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत होती है। आज का ब्लॉग थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मैं 12 बजे से यहाँ पर आया हूँ। 20 बुलेट रहने वाली है, ज़्यादा सिनेमैटिक भी मैं नहीं बता पाया आपको क्योंकि बहुत अलग अलग साइड गाड़ियाँ लगी थी। पूरी गाड़ियाँ बाहर निकालने में अभी टाइम कितना हो रहा है भैया, एक बार बताइए? 5:30 हो रहे हैं तब तक के ये ब्लॉग, मतलब सोचिए 5-6 घंटे अगर लगते होंगे ये वाले वीडियो शूट के लिए, तो जो हम 100-100 गाड़ियाँ बताते हैं वो बाहर निकाल के 360 कैसे कर सकते हैं। तो चलो चलो, खैर जो भी रहा, अभी हमें रेट्स कैसे बताने, आपको पता है डिस्काउंटेड। और ये जो रॉयल इनफील्ड का जो स्टॉक है हमारे पास में, ये बहुत यूनिक है, इसलिए हम 360 बताने वाले। ओके, तो पहली गाड़ी से शुरुआत करेंगे, तो बताइए पहली गाड़ी। पहली सर स्टैंडर्ड मॉडल है, 2008 का गाड़ी है। ओके, गाड़ी थर्ड ओनर है, गाड़ी गुड कंडीशन है। ओके, गाड़ी का अपन 1,90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 1,80,000 तक दे देंगे सर। ओके, 1,80,000 तक दे देंगे, 1,90,000 का डिमांड है। फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, क्या बोले आप? ये थर्ड ओनर है गाड़ी सर। थर्ड ओनर गाड़ी, ओनर के बारे में बताएंगे, पता होगा तो किलोमीटर के बारे में बताना, वरना ठीक है लोग आके देख लेंगे। ओके, और गाड़ी का कलर वलर भी आपको जितना ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं उतना ज़्यादा डिटेल। स्टैंडर्ड ब्लैक कलर। ओके, स्टैंडर्ड ब्लैक कलर जो कि ज़्यादा चलता है। बताइए सेकंड। सेकंड गाड़ी है सर 2020 का मॉडल है, दूसरे महीने का गाड़ी है। ओके, गाड़ी का नंबर है 5561। ओके, गाड़ी जो है तो थर्ड ओनर है। ओके, गाड़ी चला है 14,000 किलोमीटर। ओके, गाड़ी के 2,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर, 1,90,000 में दे देंगे। ओके, 1,90,000 में दे देंगे। अभी नेक्स्ट वाला व्हीकल बताइए। नेक्स्ट 2018 का गाड़ी है। ओके, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, दोनों चाबी इसके साथ में है। ओके, ये गाड़ी ब्लैक कलर में गुड कंडीशन है सर, ये गाड़ी की अपन 1,80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, कम ज़्यादा हो जाए। ओके, 1,80,000 का डिमांड किया है, उसमें भी कम ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट वाला जो व्हीकल है वो भी बता देना सर। ये 2020 का गाड़ी है जी, गन मेटल कलर है, गाड़ी का नंबर 24 नंबर है, 5 नंबर। गाड़ी जो है तो फर्स्ट ओनर है, गाड़ी एकदम गुड कंडीशन है सर। ये गाड़ी की अपन 2,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर, 1,90,000 में दे देंगे। ओके, 2,00,000 रुपये डिमांड है, 1,90,000 में दे देंगे। अभी ये सारी जो व्हीकल्स बता रहे हैं, हम लोगों ने इसके लिए 5-6 घंटे इन्वेस्ट किए हैं हमारे, सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देना इनको, और कमेंट्स जो है वो डालने से अच्छा है कि आप उनको डायरेक्ट फ़ोन करके बोलिए आपका जो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स बताते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, मैं शूट करके आपको इन्फॉर्मेशन देकर चला जाता हूँ, मगर आपको इनसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर इनसे डायरेक्ट बात करेंगे तो शायद से वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाएंगे। बराबर जी, बराबर भैया, बिल्कुल। तो बताइए क्या डिटेल नेक्स्ट गाड़ी की? सर ये 2020 का गाड़ी है, वाइट कलर है, गाड़ी का नंबर 3594 है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, दोनों चाबी इसके साथ में मिलेंगी जी। गाड़ी बहुत कम चला हुआ है, गाड़ी के अपन 2,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर, इसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा। 2,00,000 रुपये इसकी भी डिमांड, उसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वाला व्हीकल। नेक्स्ट वाली गाड़ी सर ये 2015 का गाड़ी है, गाड़ी 8768 नंबर है, रेड टाकी है इसकी। ओके, गाड़ी ये भी बहुत अच्छा कंडीशन में सर। ओके, ये गाड़ी की अपन 1,35,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए। ओके, अभी कैसा है RC के ऊपर जो कलर होता है और गाड़ियों को जो कलर होता है वो सेम होना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, सेम ही होता है 99%। एक आधी गाड़ी रियरली अगर कोई बोलता है कलर चेंज होना तो वो लाल टाकी डाल देता है या हाँ, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं लोग।
मगर हमें ये चीज़ इनको स्पेसिफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये जो गाड़ी है इसका आरसी पे कलर अलग है और टाकी पे अलग है, ऐसा क्यों? सही ओके तो वो एक थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। ये अपने पास एक गाड़ी है ऐसी रेड टैंक वाली, वो आएगी तब थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा। बाकी बताना नेक्स्ट गाड़ी है सर 2019 का मॉडल है। ओके एमएच 21 रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी का 0499 नंबर है गाड़ी का। ओके गन मेटल कलर है सर 2019 का। 1,85,000 रुपये ऑफर करते हैं, 175 में दे देंगे सर। ओके 1,75,000 में दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें निगोशिएशन का काउंटर भी आपके लिए ओपन है। बाकी नेक्स्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल, ये नेवी ब्लू कलर का गाड़ी है सर। एमएच 02 पासिंग में गाड़ी है, गाड़ी का नंबर 6512 नंबर है गाड़ी का। हाँ ये गाड़ी 2019 की है, फर्स्ट ओनर है, दोनों चाबी है इसकी साथ में मिल जाएंगी। ये गाड़ी का 180 बता दे सर, 175 में दे देंगे। ओके 180 बता रहे हैं, 175 में दे देंगे। आज के ब्लॉग में दो वो बड़े क्रेन वाली गाड़ी है क्या? एक है, तीन गाड़ी है सर बड़े क्रेन की, बड़े क्रेन की तीन गाड़ी है। ओके चलेगा, तो वो भी देखेंगे हम, बड़े क्रेन वाली गाड़ियाँ भी आने वाली है। बताइए और बिल्कुल, ये 2000 उसके बाद में जो है तो 2014 का एक गाड़ी है। ओके मुंबई पासिंग है, 6564 नंबर है गाड़ी का, 2014 का मॉडल है गाड़ी, ये गुड कंडीशन है। ओके ये गाड़ी सर आपके कस्टमर के लिए 1,00,000 रुपये में दे देंगे। ओके 1,00,000 रुपये में दे देंगे। चलो नेक्स्ट व्हीकल। बिल्कुल सर नेक्स्ट जो है तो सर 2018 का मॉडल है, नेवी ब्लू कलर गाड़ी है। ओके उसका नंबर 7317 नंबर है गाड़ी का। हाँ ये गाड़ी आपको 1,60,000 में आ जाएगी सर। ओके 1,60,000 में वो वाली भी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी भी हमारे पास कुछ गाड़ियाँ हम रखते हैं शायद से ना, RX 100 का भी बहुत सारा स्टॉक हो चुका है, उसका व्लॉग कब तक के आएगा सर? वो तो पब्लिक डिमांड पे है, आपकी डिमांड बढ़ने के ऊपर है। ओके तो जल्द ही हम RX वाला भी व्लॉग लाएंगे। एक्चुअली हमें इसी में ऐड करना था, मगर इतनी सारी गाड़ियाँ होगी, इतना ज़्यादा वक्त हो गया कि हम वो चीज़ नहीं कर पाए। बाकी नेक्स्ट वाला व्हीकल क्या है सर? ये 2015 का मॉडल है, 7181 नंबर है गाड़ी का। ओके गाड़ी 2015 का है, गाड़ी को माइक व्हील लगा है, गाड़ी बहुत गुड कंडीशन है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी का। ओके ये गाड़ी के 1,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर, 1,40,000 में दे देंगे। ओके 1,40,000 में दे देंगे, 1,50,000 का डिमांड है। ऑफ़र और फाइनल रेट दोनों बताए जा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इन लोगों ने और भी कम करना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट बताना सर। ये 2017 का गाड़ी है, 7948 नंबर है गाड़ी का, रेड टैंक है इसका। गाड़ी का बहुत अच्छा कंडीशन है सर ये गाड़ी का। ओके ये गाड़ी 2017 का है, 1,65,000 बोलते सर, 1,55,000 में दे देंगे। ओके 1,55,000 में दे देंगे। अभी बात ऐसी है ना, कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की, सर ने तो बता दिया, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो वो टाइम चेक करके लेना, मतलब बाद में जो परेशानियाँ होती है ना, जो कस्टमर आकर बोलते हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया, कुछ कमेंट्स आते हैं, तो वो नहीं रहता है, क्योंकि भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक ही है जहाँ तक गाड़ी शोरूम के अंदर है, यहाँ से जाने के बाद वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बराबर बराबर है सर। बहुत सारे लोग होते हैं, आज ही कल मैंने कुछ कमेंट पढ़ा कि XYZ उसको कुछ तो प्रॉब्लम आ गया एक बंदे को, मगर मेरे को लगता है कि वो कंप्लेंट्स करने से अच्छा है कि पहले गाड़ी आप क्यों नहीं चेक करके लेते। अपने पास डीलर लोग भी गाड़ी लगाते हैं राइट? जी डीलर लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर रहती है ना सर। ओके अब वो कुछ अपनी रहती, कुछ डीलर लोगों की रहती गाड़ियाँ, तो सब अपना अपना ये रहता, गाड़ी चेक करके लो, गाड़ी अच्छे से देखो, उसके बाद में गाड़ी खरीदो। बराबर बताइए नेक्स्ट व्हीकल सर। ये 2014 का गाड़ी है, इसका नंबर है 2507, गाड़ी रेड टैंक में है, गाड़ी 2014 का मॉडल है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है अभी तक, और ये गाड़ी के अपन डिमांड कर रहे 1,25,000 रुपये, कम ज़्यादा हो जाएंगे सर। ओके 1,25,000 डिमांड कर रहे हैं, उसके अंदर भी कम होने वाला है। नेक्स्ट व्हीकल बताना। ये सब में अफोर्डेबल 1,25,000 वाली है, इससे भी कम वाली है हमारे पास? वो एक वाली है ना सर। ओके 2014 की एक गाड़ी है, 1,00,000 रुपये में। सर ये गाड़ी है 2019 की गाड़ी है, इसका 6340 नंबर है गाड़ी का, गाड़ी ये पूरा ब्लैक कलर में आता है। हाँ। गाड़ी गुड कंडीशन है, फर्स्ट ओनर है, ये गाड़ी की अपन 1,85,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर। Okay. कम ज़्यादा हो जाएंगे, कम ज़्यादा हो जाएगी, 1,85,000 के अंदर गाड़ी मांगी जा रही है। निगोशिएशन का काउंटर भी आपके लिए ओपन है, तो निगोशिएशन भी आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट गाड़ी सर, ये गाड़ी है 2020 का मॉडल है, ये कंपनी से इसको माइक्विल आता है। गाड़ी का नंबर 8639, गाड़ी बहुत अच्छा कंडीशन में है जी, ये भी फर्स्ट ओनर है गाड़ी। ओके इसकी दोनों चाबियाँ साथ में मिलेंगी, ये गाड़ी का अपन डिमांड कर रहे हैं सर 2,10,000 रुपये, कम ज़्यादा हो जाएगा। ओके 2,10,000 का डिमांड कर रहे हैं, और उसमें भी कम हो जाएगा राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2,10,000 रुपये आपको अगर ज़्यादा लग रहे होंगे तो शोरूम पे जाइएगा, नए गाड़ी का कोटेशन निकालिएगा, मतलब आपको ध्यान में आएगा कि
गाड़ियों के रेट्स कितने हाइप हो चुके हैं, बराबर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मेरे को लगता है 2.5 लाख के ऊपर चला गया अभी बुलेट। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट है हमारे पास? नेक्स्ट ये गाड़ी है अपने पास स्टैंडर्ड 2010 का मॉडल है, MS20 रजिस्ट्रेशन में है ये गाड़ी है स्टैंडर्ड। इसका नंबर 9594 नंबर है गाड़ी का। इसका 3.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे सर। ओके, कितना? 3.5 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपये। इसकी स्पेशलिटी भी बता दीजिए। स्पेशलिटी ये है कि ये गाड़ी एक यूनिक है। ये गाड़ी आखिरी में जब बंद हुई सबसे आखिरी का मॉडल है, औरंगाबाद पासिंग गाड़ी है। 3.5 लाख में देना है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ है, इसीलिए 3.5 लाख रुपये डिमांड हो रही है। जो लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, तो समझ के चलिए कि ये शौक का सामान है। जो लोग शौकीन रहेंगे वही इस गाड़ी की तरफ देखिएगा, बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बाकी सारे ऑप्शन खुले हैं, बराबर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बताइए सर, ये 2016 का गाड़ी है। गाड़ी का नंबर 2114 नंबर गाड़ी का है। ये क्लासिक इंजन में स्टैंडर्ड गाड़ी आती है ये। ओके, ये गाड़ी भी बहुत रेयरली मिलती है। ये गाड़ी गुड कंडीशन है सर, फर्स्ट ओनर है। ये गाड़ी 1,50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं सर, 1,40 तक दे देंगे। ओके, 1,40 तक दे देंगे। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि सेकंड ओनर, थर्ड ओनर जो भी गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये क्यों है? एक्चुअली ऐसा है, हर बार ये नहीं होता कि कोई गाड़ी किसी को जची नहीं, ख़राब हो गई, ये हो गई और उन्हें बेचने के लिए निकाली। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ियों का जो खरीदी रेट उनका होता है उसी रेट के आसपास उन्हें बिक्री का रेट मिलता है, तो वो लोग लॉस कम हो रहा है इसीलिए बेच डालते हैं, बराबर? बराबर सर, ठीक है। ओके, जैसा हम, मेरे को लगता है अभी 5 साल पहले ये गाड़ियाँ 170-180 में थी। बिल्कुल बिल्कुल, शोरूम में आज 3 लाख के आसपास बुलेट का रेट चला गया। तो फिर अभी वो बंदों को अगर उनको पर्सल खा रहा है, उनके परचेस रेट के आसपास अगर वो गाड़ियाँ उनको मिल रही है ना, तो वो बेच डालेंगे और उसका ओनर बढ़ जाएगा, बराबर? बराबर सर। ओके, बोलिए आगे। सर ये गाड़ी है स्टैंडर्ड 2009-10 का गाड़ी है, MA04 नंबर में गाड़ी है। Okay. गाड़ी का नंबर 8304 नंबर है गाड़ी का। हाँ। ये गाड़ी गुड कंडीशन है। हुँ? ये गाड़ी का अपन 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे सर। हुँ? 1,90,000 में दे देंगे। ओके, 1,90,000 में दे देंगे जी सर। नेक्स्ट, अभी ये फाइनल गाड़ी है या इसके बाद भी एक गाड़ी? नहीं सर, ये फाइनल गाड़ी रहने वाली है ब्लॉक की। गाड़ी का नंबर है, गन मेटल कलर की गाड़ी है, 2020 का मॉडल है सर ये। गाड़ी का नंबर है VIP 5777 नंबर है गाड़ी का। 2020 की गाड़ी है। 2 लाख रुपए अपन डिमांड कर रहे हैं सर। गन मेटल गाड़ी है ये, गन मेटल कलर का। ओके, 2 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं अपन इसका। बैठक में 1,80-1,85 तक हो जाएगी। 1,80-1,85 तक हो जाएगी। अभी देखिए, ये डीलर है, आप परचेसर हैं और मैं इंटरमीडिएट हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। तो उस हिसाब से अगर रेट की बात अगर मैं साइड में रखता हूँ, जो कि आपको लगता है कभी कभी ज़्यादा हो रहा है, सर को लग रहा है कि मैं बराबर प्रॉफिट के अंदर दे रहा हूँ कि कम से कम प्रॉफिट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इतना बताऊँगा कि जितनी सारी गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही है उनके ऊपर अभी कलरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक ए शोरूम, यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आती है, बराबर भैया? बिल्कुल। और ये जो गन मेटल कलर है ना, स्पेशली बुलेट के अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिस पर ब्राउन सीट लगाए गए हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये गाड़ी आप परचेस कर सकते हो चेकआउट करा के। बाकी ये आगे कितने हमारे गाड़ियाँ आने के चांसेस है? ये गाड़ियाँ मेरे को लगता है 8 दिन भी नहीं टिकेगी। नहीं नहीं सर, ये तो कैसा है, रोज़ गाड़ियाँ आती रोज़ जाती, चेंज होते रहता माल। ओके, चेंज होते रहता है, 8-10 दिन के बाद और अपडेट हो जाएगा। मगर हम 8-8 दिन पर इनके पास आकर शूट नहीं करवा सकते, 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं एक शूट के लिए। हम अगले महीने में इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच व्यूअर्स, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नंबर देखने मिलेगा और एड्रेस भी देखने मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी जाइएगा, महाराष्ट्र ऑटो कंसल्टेंट को कॉल कीजिएगा। रिजवान राइडर का ये जो ब्लॉग था, ये आपको कैसा लगा कमेंट डाउन कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।